So literary devices, first we will start with euphemism. First one, euphemism. So this is easy one. मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को पता होगा ये वाला euphemism. ओके, सो वेरी गुड पूर्वा जी. सो पहला वर्ड है हमारा euphemism. euphemism, एनीबडी एनी आइडिया? वेरी इजी. यूफेमिज्म के अंदर क्या होता है कि वो जो हमारे बहुत ही कई बार क्या होते हैं, इम्पोलाइट टर्म्स या हार्श टर्म्स होते हैं, और उनकी जगह हम कुछ और बोलते हैं. वी यूज सर्टेन पोलाइट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज हार्श और इम्पोलाइट वर्ड्स. जैसे जब आप किसी को फायर कर रहे हो, जॉब से निकाल रहे हो, सो आप वहां पे क्या बोलते हो कि आई हैव फायर दैट पर्सन? नहीं, उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं कि वी आर लेटिंग देम गो. और अगर बहुत ही ज्यादा मास फायरिंग हो रही हो कि एक साथ हमने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला है, तो टर्म यूज करते हैं कि वी आर डाउन साइजिंग आर लाइक टीम और द बिजनेस. सो कई बार कुछ हमारे टर्म्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, हार्श होते हैं, इम्पोलाइट होते हैं, और उसकी जगह हम थोड़े से पोलाइट वाले वर्ड्स को यूज कर लेते हैं. ये है यूफेमिज्म. सो यूफेमिज्म, यूफेमिज्म के लिए नोट डाउन कर सकते हैं पोलाइट एक्सप्रेशंस. इन प्लेस ऑफ हार्श वर्ड्स. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टूपिड, हम कहते हैं कि मेंटली चैलेंज्ड है, फूलिश, स्टूपिड, अगेन हार्श वर्ड्स हो जाते हैं. और स्पेशल चाइल्ड टर्म यूज किया जाता है. एक आपके पहले, अगर हिंदी में आपको याद हो, पहले हम विकलांग टर्म यूज करते थे, फिर अब नहीं यूज करते. वी आर यूजिंग दिव्यांग एंड ऑल दोज टर्म्स, राइट? एंड समबडी हु इज अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड के लिए यूज किया जाता है आई एम इन बिटवीन जॉब्स. सो बिल्कुल ऐसे खराब ना लगे, वैसे वाले वर्ड्स हो जाते हैं हमारे यूफेमिज्म में. सो लेट्स चेक द एग्जाम्पल्स फ्रॉम आर इंग्लिश लिटरेचर. पहला एग्जाम्पल कहाँ से लिया गया है? ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर. आई एम वन सर दैट कम्स टू टेल यू योर डॉटर एंड द मूर आर नाउ मेकिंग द बीस्ट विथ टू बैक्स. कैन यू आइडेंटिफाई द स्पीकर? किसने बोला है ये लाइन? आई एम वन सर दैट कम्स टू टेल यू योर डॉटर एंड द मूर आर नाउ मेकिंग द बीस्ट विथ टू बैक्स. सो देयर फिजिकल, क्या कहते हैं इसको, फिजिकल रिलेशनशिप और ये जो वो सेक्सुअल एक्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये टर्म यूज किया गया है, मेकिंग द बीस्ट विथ टू बैक्स. किसने बोला है इस वाले लाइन को? कैन यू आइडेंटिफाई द स्पीकर? ओथेलो के अंदर किसकी लाइन होगी ये? एंड सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा बाय शेक्सपियर. रॉयल वेंच, शी मेड ग्रेट सीजर ले हिज सॉर्ड टू बेड, ही प्लाउड हर एंड शी क्रॉप्ड. सो अगेन वो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए प्लॉड यूज किया गया है फॉर दैट एक्ट, एंड शी क्रॉप्ड ये यूज किया गया है शी बिकेम प्रेग्नेंट के लिए. सो प्रेग्नेंट के लिए क्रॉप्ड है टर्म. सो अगेन एंटनी एंड क्लियोपैट्रा के अंदर विलियम शेक्सपियर ने यूफेमिज्म का यूज किया है, वेर इन ही हैज नॉट यूज दी इम्पोलाइट और हार्श वर्ड्स, जो कि थोड़ा सा वहां पे प्ले के टाइम में इमोरल सॉर्ट ऑफ प्रेजेंट होता. उसकी जगह टर्म क्या यूज किया है? प्लॉड एंड क्रॉप एंड अगेन इन ओथेलो मेकिंग द बीस्ट विथ टू बैक्स. जी पूर्वा, करेक्ट है. सो यूफेमिज्म क्लियर हो रहा होगा. सेकेंड देखेंगे यूफोनी. सेकेंड टर्म यूफोनी. यूफोनी के अंदर यू कैन सी द वर्ड फोन. फोन, फोन वर्ड जहां भी आपको देखने को मिलेगा, ऑलवेज आइडेंटिफाई दिस विथ साउंड. जैसे आपके फोनेम होते हैं, आपके होमोफोन्स होते हैं, टेलीफोन होता है, देयर आर न्यूमरस वर्ड्स वेर इन
दिस फोन वर्ड इज यूज्ड इनसाइड दैट वर्ड. सो फोन रिप्रेजेंट्स साउंड. फोनिम क्या हो जाते हैं? बेसिक साउंड्स हो जाते हैं. होमोफोन्स क्या हो जाते हैं? वर्ड्स हैविंग सेम साउंड्स. टेलीफोन क्या हो गया? अ डिवाइस वेयर इन यू कैन ट्रांसफर साउंड. टेलीफोन हो गया. सो फोन याद रखिएगा. सो यू फोनी वेयर इन द वॉइस इज स्वीट और मेलोडियस. सो पोएट्री के अंदर, पोयम के अंदर, जिस तरीके से वॉबल्स का यूज किया गया है, सिलेबल्स का यूज किया है, और द चॉइस ऑफ वर्ड्स, दे रिप्रेजेंट सम मेलोडी और वेरी स्वीट अप्रोच, स्वीट वॉइस के तौर पे आप याद रख सकते हैं यूफोनी को. सो स्वीट वॉइस. एंड यू कैन ऑल्सो रिमेम्बर मेलोडी इन साउंड, मेलोडी और लवलीनेस सॉर्ट ऑफ थिंग. सो वी आर हैविंग वन एग्जाम्पल हियर, ओड टू ऑटम बाय जॉन कीट्स. सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग मैच्योरिंग सन, कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लास ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच, टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, टू स्वेल द गर्ड द प्लम्प द हेजल शेल्स विथ अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज. सो ये फ्लावर्स बीज हो गए आपके, स्वीट कर्नल लिखा हुआ है, प्लम्प वर्ड है, राइपनेस है, राइट, एप्पल्स हैं, फ्रूट वाइन्स, ये सारे वर्ड्स, जैसे क्लोज बॉसम फ्रेंड. सो ये सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं? स्वीट वॉइस या फिर मेलोडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, थर्ड देखते हैं, एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन क्या है? सॉर्ट ऑफ इमेजरी, यू कैन अंडरस्टैंड दिस. एक्सपोजिशन के अंदर क्या होता है कि जो भी हम इवेंट्स या स्टोरीज या चीजें बता रहे हैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहे होते हैं. बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है एक्सपोजिशन के अंदर. सो पोजिशन वर्ड से याद रखिएगा, किसी चीज की पोजिशन. सो वो पूरा डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन कि ही कहाँ पे था, हाउ थिंग्स वर हैपनिंग देयर, बर्ड्स वर देयर, हाउ सन वॉज बिहेविंग इन विच मैनर, हमारे रिवर्स हैं या जो हमारे झरने हैं वो किस तरीके से वहां पे प्रेजेंट किए जा रहे हैं, पिक्चराइज किए जा रहे हैं. सो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में एक्सपोजिशन के लिए याद रख सकते हैं. सो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वी कैन नोट डाउन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. सो एग्जाम्पल देख लें, द थ्री लिटिल बियर्स बाय रॉबर्ट साउदी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वर थ्री बियर्स. देयर वॉज अ डैडी बियर हु वॉज वेरी बिग. सो अब डैडी बियर को देखिए किस तरीके से यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, हु वॉज वेरी बिग, अ ममा बियर हु वॉज मिडिल साइज्ड, एंड अ बेबी बियर हु वॉज वेरी स्मॉल. दे ऑल लिव टुगेदर इन अ लिटिल कॉटेज इन द मिडल ऑफ द वुड्स. वुड समझ रहे होंगे, जंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. देयर फेवरेट ब्रेकफास्ट वॉज पॉरेज. वन मॉर्निंग आफ्टर दे मेड देयर पॉरेज, डैडी बियर सेड, लेट्स गो फॉर वॉक इन द वुड्स अंटिल इट कूल्स. मा बियर एंड बेबी बियर लाइक द आइडिया, सो ऑफ दे वेंट. वाइल दे वर अवे, अ लिटिल गर्ल नेम्ड गोल्डी लॉक्स केम वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड स्मेल्ड द पॉरेज. सो बहुत ही ज्यादा इसको डिटेल में, और इसकी सेटिंग, इसके कैरेक्टर्स और जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं स्टोरी के अंदर, उनका यूज किया जाता है स्टोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो ये था एक्सपोजिशन. यूफेमिज्म, हार्श की जगह पोलाइट, यूफोनी स्वीट वॉइस, और एक्सपोजिशन जहां पे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिले. नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सटेंडेड मेटाफर, फोर्थ वन, एक्सटेंडेड
कैंडिड, मेटाफर। सो एनी आइडिया, आप में से कोई बताना चाहे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेटाफर इन आर प्रीवियस क्लासेस, बहुत ज्यादा कई बार जब हमारे सामने लाइंस आई हैं, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज सिमली एंड वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज मेटाफर। दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमें पता है। सिमली के अंदर वी विल हैव वर्ड्स लाइक एज एंड लाइक, और मेटाफर क्या होगा? इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा। सिमली के अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन है, मेटाफर के अंदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। मेटाफर यू विल समहाउ फील लाइक वी आर यूजिंग एडजेक्टिव सॉर्ट ऑफ थिंग टू कंपेयर और हाईलाइट टू अनलाइकली थिंग्स। ठीक है, अब इसी मेटाफर के साथ हमारा क्या लिखा हुआ है? एक्सटेंडेड मेटाफर। जैसे एपिथेट को लेके हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज एपिथेट? एडजेक्टिव। एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट के अंदर क्या हो जाता है? एडजेक्टिव जो किसी और चीज को हाईलाइट कर रहा हो। सो सेम वेज मेटाफर से रिलेटेड टर्म यूज किया जाता है एक्सटेंडेड मेटाफर। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस? जी मंजू। सो अब इसके अंदर क्या है जो एक्सटेंडेड मेटाफर है? करेक्ट बता रहे हो मंजू, बिल्कुल। यहाँ पे क्या है कि हमने कंपैरिजन कर तो दिया, राइट? पर और कर रहे हैं, मतलब एक बार के बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने सन ले लिया, सो सन को फियर्स बोल रहे हैं, सन को स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं, सन को लाउड बोल रहे हैं, सन को एंग्री बोल रहे हैं, राइट? सो अब सन के कंपैरिजन को हम एक ही लाइन में कंपेयर करके रुक नहीं गए। वी आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो मेटाफर एंड देन एक्सटेंडेड मेटाफर, ऑन एंड ऑन एंड ऑन सॉर्ट ऑफ थिंग। सो ये कुछ एक लाइनों के अंदर या पैराग्राफ के अंदर वो कंटिन्यू हो जाता है। सो इट कैन बी रिलेटेड टू वन वर्ड, इट कैन बी रिलेटेड टू रिलेटेड वर्ड्स। कि एक चीज को एक करा, फिर दूसरी चीज को दूसरे तरीके से करा, तीसरी चीज को तीसरे तरीके से करा, ऐसे भी हो सकता है। और एक वर्ड को हमने कई बार करा, वैसे भी हो सकता है। ठीक है, बस याद रखिएगा कि वो मेटाफर कंटिन्यूड है, इट्स नॉट एंडिंग इन वन लाइन ओनली। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखें, हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल है लाइफ ऑन द मिसिसिपी से, और दूसरा एज यू लाइक इट से। कंपैरिजन थ्रू कंप्लीट सीरीज। जी एग्जाम्पल देख लें, द लाइफ ऑन द मिसिसिपी बाय मार्क ट्वेन। माई गन पाउडरी चीफ वेंट ऑफ विथ अ बैंग ऑफ कोर्स, एंड देन वेंट ऑन लोडिंग एंड फायरिंग अंटिल ही वॉज आउट ऑफ एडजेक्टिव्स। सो समझ आ रहा है किसी को इसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? माई गन पाउडरी चीफ, चीफ के लिए पहले क्या यूज किया गया है? गन पाउडरी। दूसरा वर्ड क्या यूज किया गया है? बैंग। देन देयर इज वर्ड लोडिंग एंड फायरिंग अंटिल ही वॉज आउट ऑफ एडजेक्टिव्स। सो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है व्हाट ही वॉज स्पीकिंग, जो यहाँ पे हमारा चीफ है, हाउ ही वॉज स्पीकिंग। वो जो वर्ड्स थे वो वर्ड्स कैसे थे? बिल्कुल ऐसे बुलेट्स की तरह, हम कहते हैं ना उसकी जबान बिल्कुल तीर की तरह है। सो सेम वेज डैमेजिंग वर्ड्स, हर्टिंग वर्ड्स, राइट? और इसी के लिए हमारे ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, गन पाउडरी, देन बैंग एंड लोडिंग एंड फायरिंग। मिस्टर बिक्सी के लिए यूज किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल, एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। ऑल दी वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। सो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर भी देखिए, वर्ल्ड को स्टेज की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसी को फिर हम और डिस्क्राइब कर रहे हैं डिटेल में। वी आर डिस्क्राइबिंग इट इन डिटेल। सो स्टेज को ही रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव यूज्ड मेन एंड वुमेन आर प्लेयर्स। देन स्टेज के ऊपर ही वी आर हैविंग एग्जिट्स एंड वी आर हैविंग एंट्रेंसेस, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर। सो मेटाफर एंड एक्सटेंडेड मेटाफर दोनों के बीच ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फेबल।
सो व्हाट इज फेबल? मॉरल स्टोरी. और मॉरल स्टोरी को बताने के लिए यूज किस किया जा किसका किया जाता है? एनिमल्स एज कैरेक्टर्स. फेबल अ शॉर्ट स्टोरी विच प्रोवाइड्स अ मॉरल एंड ऑफन एनिमल्स आर यूज्ड. इनको कैरेक्टर बताया जाता है एंड somehow in this story the animals they can speak, they can argue, they can like direct people, they can influence people. इस तरीके से स्टोरी के अंदर सो दे आर दीज एनिमल्स दे आर हैविंग ऑल ह्यूमन एट्रीब्यूट्स. हम जैसे किसी के साथ रीजनिंग करते हैं ना, बताते हैं अपनी लाइकिंग्स अपनी अनलाइकिंग्स और उनको मोटिवेट करते हैं और उनको कहते हैं कि नहीं हाउ दिस इज हैपनिंग एंड वी शुड रिवोल्ट अगेंस्ट दिस एक्ट. हमको इनके खिलाफ जाना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए, सॉर्ट ऑफ थिंग्स. एनिमल फार्म के अंदर बहुत सारी ये चीज, ये हमें फेबल वाले एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं एनिमल फार्म के अंदर. सो एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल जो है ये पूरा फेबल के ऊपर बेस्ड है. ऑलमोस्ट ऑल द लाइंस वेर इन देयर आर हॉर्सेज पिग्स और किस तरीके से वो बता रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. दे नेवर प्रोड्यूस एनी थिंग, हाउ एवर वो यूज किए जा रहे हैं वॉट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग, सो वी शुड गो अगेंस्ट ह्यूमंस और हमें रिवोल्ट करना चाहिए सॉर्ट ऑफ थिंग्स, है ना. एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल याद रखिएगा, बेस्ट एग्जाम्पल है. एंड द अदर वन वी आर हैविंग जी एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स एज कैरेक्टर्स. बिल्कुल. दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे सामने है ये है द फॉक्स एंड द क्रो रिटन बाय एसप्स फेबल्स और उसी के नाम पे फिर ये बना भी है कैरेक्टरिस्टिक ए शब्द की वजह से. अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री विथ अ पीस ऑफ चीज इन हर बीक व्हेन अ फॉक्स ऑब्जर्व्ड हर एंड सेट हिज विट्स टू वर्क टू डिस्कवर सम वे ऑफ गेटिंग द चीज. कमिंग एंड स्टैंडिंग अंडर द ट्री ही लुक्ड अप एंड सेड व्हाट अ नोबल बर्ड आई सी अबव मी, हर ब्यूटी इज विदाउट इक्वल. डाउन केम द चीज ऑफ कोर्स एंड द फॉक्स स्नैचिंग इट अप सेड You have a voice, madam. I see. What you want is wits. So, जैसे कुछ बोलने के लिए क्रो ने मुंह खोला वैसे ही वो चीज नीचे गिर गया फॉक्स के पास. छोटे बच्चों को ये वाली कहानियां सुनाई जाती हैं. सो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मॉरल, कि हाउ थिंग्स हैपन. वो आपके पूर्वा फोर्थ वाली बुक, यस कह सकते हैं हम बिल्कुल, जहाँ पे जायंट्स वगैरह को और एनिमल्स और इंसेक्ट्स को भी आप स्पीच वाली क्वालिटी दोगे, बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं हम उसको भी. सो फेबल करेक्ट है जी, द फॉक्स एंड द क्रो. नेक्स्ट देखें, सिक्स्थ वन, फैलेसी. मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स जहाँ पे आप किसी के साथ बहस कर रहे होते हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हो एंड देन देयर इज रीजनिंग और वहां पे फिर आप एक टर्म यूज करते हो कि क्या इलॉजिकल बात कर रहे हो या क्या बिना सर पैर की बात कर रहे हो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जहां पे आपको लगता है कि सामने वाला जो अपनी बात को फैक्ट प्रूफ करने के लिए या राइट प्रूफ करने के लिए या ट्रू प्रूफ करने के लिए जो पॉइंट दे रहा है दैट इज टोटली अबसर्ड, कोई लॉजिक नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है. सो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट को जहां पे अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वी आर सेइंग एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग जिसका उस वाली बात से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं है, दैट इज टर्म्ड एज फैलेसी, एन आर्ग्यूमेंट विदाउट एनी लॉजिकल पॉइंट. सो ये भी हमें अपने लिटरेचर के अंदर कई बार ये वाली चीजें देखने को मिलती हैं. सो आई हैव इंक्लूडेड सर्टेन स्टेटमेंट्स, एक बार पढ़ के देखिए और आपको लगेगा कि टोटली अग्रीड. सो अनसाउंड आर्ग्यूमेंट विदाउट लॉजिक. सो फर्स्ट लाइन क्या है? यू कांट डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर आरंट मार्शियंस लिविंग इन केव्स. सो जो मार्स से, मार्स प्लैनेट से आए हुए लोग होते हैं उनको क्या कहेंगे हम? मार्शियंस.
देर आरंट मार्शियंस लिविंग इन केव्स ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स, सो इट इज सेंसिबल फॉर मी टू एक्सेप्ट देयर आर। तो क्योंकि तुम ये प्रूव नहीं कर सकते हो, इसका मतलब कि ये लोग हैं, लॉजिक नहीं है। आई सॉ अ जेबर्ड एंड 10 मिनट्स लेटर आई क्रैश्ड माई कार। जेबर्ड्स आर रियली बैड लक। हम आप यूजुअली बिल्ली के लिए कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई है, सो उसके पीछे का लॉजिक नहीं होता। समवेयर किसी का बैड हैपनिंग हुआ होगा और फिर वो एक तरीके से फॉलो हो रहा है। सो वी ऑल्सो कॉल इट मिथ, MYTH, मिथ कहते हैं, विच इज नॉट फैक्चुअली करेक्ट, है ना। इफ वी परमिट गे इंडिविजुअल्स टू गेट मैरिड, व्हाट्स नेक्स्ट? परमिटिंग पीपल टू मैरी देयर डॉग्स? या फिर ऑल क्रोज आर ब्लैक एंड द बर्ड इन माई केज इज ब्लैक, सो द बर्ड इन माई केज इज अ क्रो? नॉट नेसेसरी, इट कैन बी अ कोयल, कोयल इज ऑल्सो ब्लैक। हाउ एवर, ये लॉजिक क्या है? ऑल क्रोज आर ब्लैक एंड द बर्ड इन माई केज इज ब्लैक, सो द बर्ड इन माई केज इज क्रो। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फैलेसी। नेक्स्ट लिखेंगे फार से। यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म रिलेटेड टू शेक्सपियर प्लेस। सो दिस इज वॉट फिजिकल ह्यूमर एब्सर्ड बिहेवियर एंड बॉडी बाउडी जोक्स एंड ड्रंकननेस। सो एनी ऑफ द आर इंडियन प्रोग्राम्स जहां पे आपको इस तरीके का अप्रोच देखने को मिला होगा? जी, कोई अपना इंडियन प्रोग्राम का एग्जाम्पल दे सकते हो वेयर इन पीपल बिहेव इन सच मैनर, जहां पे बहुत ही ज्यादा फिजिकल कॉमेडी की जाती हो एंड दे वो एक दूसरे से टकराते हैं, गिरते हैं, फॉल डाउन, और बहुत ही अजीबोगरीब उनका वर्क होता है। देयर जोक्स आर नॉट अप्रोप्रिएट, राइट, यूजुअली सार्कास्टिक एंड ह्यूमिलिएटिंग, एंड दे बिहेव लाइक दे आर ड्रंक। जी जी पूर्वा, बिल्कुल। सो हियर वी आर हैविंग सम एग्जाम्पल्स। विलियम शेक्सपियर के अंदर भी आपको कई बार ये जो आपके क्लाउन कैरेक्टर्स होते हैं, दे बिहेव इन सच मैनर्स, पर बहुत ज्यादा जो हमें ये देखने को मिला है वो कहाँ पे? द टेमिंग ऑफ द श्रू में। देयर वर टू सिस्टर्स इन टेमिंग ऑफ द श्रू। हमारे दो सिस्टर्स कौन कौन सी थी? दी कैथरीना एंड बियांका। सो बियांका वॉज दी अप्रोप्रिएट वन, और श्रीव किसके लिए बोला जाता था? कैथरीन के लिए। एंड देयर फादर वॉज वेरी वरिड, एंड उन्होंने एक वो रूल भी रखा था कि अंटिल इलनेस कैथरीन विल नॉट गेट मैरिड, ही विल नॉट अप्रूव बियांकाज मैरिज। फॉर किस तरीके से डिफरेंट कैरेक्टर्स आए थे एंड हाउ देयर आर्ग्यूमेंट्स हैपेंड। सो टेमिंग ऑफ द श्रू कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स बाय विलियम शेक्सपियर, जहाँ पे हमारे फार्स को यूज किया गया है, फिजिकल कॉमेडी, फिजिकल लाउड बाउडी कॉमेडी, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल है द इम्पोर्टेंस ऑफ बींग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। जी मंजू, बिल्कुल। सो देयर आर सर्टन शोज जो हमारे टीवी पे आते हैं और बहुत ही ज्यादा उनका बिहेवियर अप टू द मार्क नहीं होता, है ना। जी, द इम्पोर्टेंस ऑफ बींग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। मॉकरी ऑफ द अपर क्लास यूज किया गया है, डिसग्रेसफुल फिजिकल ह्यूमर, एब्सर्डिटी एंड मिस्टेकन आइडेंटिटीज वगैरह। और एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपके सामने लिया गया है, मिस प्रिज्म कमिट्स अ ब्लंडर बाय लीविंग हर मैन्युस्क्रिप्ट इन द प्रैम। प्रैम होता है जिसमें छोटे बेबीज को रखा जाता है। जी, सो अपना मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ रख देती है? प्रैम के अंदर, और अपने चाइल्ड को अपने हैंड बैग के अंदर। जी पूर्वा, बिल्कुल। हमारे शेक्सपियर के जितने भी क्लाउन्स और डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे हमें, वो मिलेंगे ऐसे थोड़े से फिजिकल कॉमेडी वाले। जी, टेमिंग ऑफ द श्रू बाय विलियम शेक्सपियर। स्टेटमेंट्स एंड हर हस्बैंड्स रिप्लाइज विच डिमॉन्स्ट्रेट वर्बल ह्यूमर, करेक्ट है। नेक्स्ट चेक करते हैं।
फुट. सो दिस वी नो, कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है. फुट. सो दिस इज मेड अप ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, राइट? फुट किससे बना होता है? स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से अलग अलग कॉम्बिनेशन है. देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन. और एक लाइन के अंदर जब ये फीट हो जाते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है मीटर को. विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड हमने इयाम्बिक पेंटामीटर डिस्कस किया हुआ है, और उसके अंदर क्या फॉलो होता है? अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड. सो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड रिप्रेजेंट करता है फुट को. इसके अंदर हम नोट डाउन कर सकते हैं, फर्स्ट वी आर हैविंग याम, सेकंड ट्रूशी, थर्ड स्पॉन्डी, फोर्थ एनापेस्ट एंड फिफ्थ टेक्टिल, सिक्स्थ है एंड लास्ट वन सेवेंथ, पी वाई आर आर एच आई सी. सो दीज आर सर्टेन टर्म्स, इनको याद रख सकते हैं फुट से रिलेटेड. मोस्टली शेक्सपियर से रिलेटेड ईएम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनस्ट्रेस्ड एंड देन स्ट्रेस्ड. शॉर्ट में लिख रही हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा याद रहे. ईएम के अंदर पहले अनस्ट्रेस्ड है और फिर स्ट्रेस्ड है, राइट? ट्रोशे के अंदर स्ट्रेस्ड है और फिर अनस्ट्रेस्ड है. सो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. रिमेम्बर दीज टुगेदर, राइट? देन स्पॉन्डी के अंदर टू स्ट्रेस्ड, स्पॉन्डी के अंदर टू स्ट्रेस्ड, एनापेस्ट के अंदर है टू अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड, एनापेस्ट टू अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड, डैक्टिल के अंदर स्ट्रेस्ड और फिर टू अनस्ट्रेस्ड. इनको एक साथ याद रखिएगा. दे कैन बी कंसिडर्ड एज ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर. सो ये इनको एक साथ याद रखिएगा, राइट? देन हमारे पास एम्फीब्रैक है और पायरिक. एम्फीब्रैक के लिए याद रखिएगा अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड प्लस अनस्ट्रेस्ड, USU, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड एंड देन अनस्ट्रेस्ड, और यहाँ पे टू अनस्ट्रेस्ड. सो स्पॉन्डी और इनको एक साथ याद रख सकते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. स्पॉन्डी के अंदर टू स्ट्रेस्ड है और फरिक के अंदर टू अनस्ट्रेस्ड. सो अगर एग्जाम में आए, सो ट्राई टू रिमेम्बर दीज. इंपॉर्टेंट हमारे इसमें से इयाम्ब और ट्रोशी है और एनापेस्ट और डाक्टिल है. ये चारों पे मैंने क्वेश्चंस देखे हुए हैं एग्जाम के अंदर, सो इनको जरूर याद रखिएगा. डन है? सो आई विल रिमूव दीज एंड गो अहेड विथ आर नेक्स्ट टर्म. नाइन्थ वन, फोर शेडोइंग. फोर शेडोइंग इज समवॉट लाइक गिविंग हिंट ऑफ व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, जैसे स्टोरी में आगे जाके क्या होने वाला है. सो सर्टेन राइटर्स दे कीप इट बिल्कुल इन सीक्रेट, नो हिंट्स.
एंड दे मेंटेन द सस्पेंस सो दैट राइटर्स विल बी अट्रैक्टेड टू इट एंड दे विल नॉट लीव द बुक. और अगर प्ले की बात हो रही है सो दे विल नॉट लीव द थिएटर और बिल्कुल ऐसे जॉ ड्रॉपिंग मूवमेंट्स उनके सामने आते रहेंगे. तो सर्टेन राइटर्स दे ट्राई टू गिव सम हिंट सम कि आगे जाके क्या हो सकता है. सो वो जो थोड़ा सा हिंट दिया जाता है वो क्या हो जाता है हमारा फोर शेडोइंग. जी करेक्ट है. मंजू ने थोड़ा सा रियल एग्जाम्पल लिया है अपने हॉलीवुड बॉलीवुड से. बिल्कुल. सो फोर शेडोइंग के अंदर देखें फर्स्ट एग्जाम्पल है रोमियो एंड जूलियट बाय शेक्सपियर. लाइफ वर बेटर एंडेड बाय देयर हेट देन डेथ प्रोक्ड वॉन्टिंग ऑफ दाई लव. सो रोमियो और जूलियट के इस वाले एग्जाम्पल में क्या है ये बालकनी वाला सीन है हमने डिस्कस किया था. वहां पे रोमियो का ये कहना है कि जूलियट इज वरिड ऑफ रोमियो रोमियोज वेल बींग एंड ऑल दोज थिंग्स कि किस तरीके से हाउ इवेंट्स विल टेक प्लेस और वो सेफ रहेगा नहीं रहेगा. एंड रोमियो इज सेइंग कि आई वॉन्ट टू हैव योर लव इवन इफ माई लाइफ इज वेरी स्मॉल. सो आई एम फाइन विथ लिविंग अ स्मॉलर लाइफ हाउ एवर आई प्रिफर योर लव. सो एक्चुअली में आगे जाके यही होता है वो एक तरीके से टीनेज सुसाइड सॉर्ट ऑफ भी आप इसको याद रख सकते हैं कि दे वर यंग और सीक्रेटली मैरिड. उनकी मैरिज कंज्यूमेट भी नहीं हुई होती है एंड वो फिर वो लास्ट में सुसाइड कर लेते हैं. सो फोर शेडोइंग के लिए नोट डाउन कर सकते हैं एडवांस हिंट ऑफ एडवांस हिंट ऑफ व्हाट विल कम लेटर. सेकेंड एग्जाम्पल वी आर हैविंग द राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर. ये भी हमने डिस्कस किया था अल्बेट्रॉस बर्ड को लेके. सो बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज हर लिप्स वर रेड हर लुक्स वर फ्री हु थिक्स मैंस ब्लड विथ कोल्ड. सो ये किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है शिप के मिसफॉर्चून को कि हाउ थिंग्स हैपेंड राइट. द लिप्स वर रेड हर लुक्स वर फ्री हु थिक्स मैंस ब्लड विथ कोल्ड और किस तरीके से वो सोल्जर्स की सबकी डेथ हो जाती है. सो दीज वर दी लाइन्स विच वर गिविंग हिंट. नेक्स्ट देखेंगे लास्ट वन टेंथ हाइकू. सो इट्स अ जापानीज पोयम ऑफ थ्री लाइन्स. सो कंप्लीट स्टोरी इन थ्री लाइन्स बहुत इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया जाता है वेर इन कंप्लीट अप्रोच इज प्रेजेंटेड इन जस्ट थ्री लाइन्स. और इसके अंदर वो जो आपका सिलेबल का अप्रोच है उसको लिख सकते हैं फाइव मोराज टर्म यूज किया जाता है. सो फाइव सेवन फाइव ये लाइनों में होता है और टर्म यहाँ पे सिलेबल की जगह क्या यूज करते हैं मोराज. दिस इज साउंड यूनिट. इंग्लिश के अंदर टर्म यूज होता है सिलेबल ये जापान का टर्म है. सो दिस इज बेसिक साउंड यूनिट एंड देयर आर थ्री लाइंस. पहली वाली लाइन में फाइव मोरास बीच वाली लाइन में सेवन मोरास और तीसरी वाली लाइन में अगेन फाइव मोरास. तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस हैकू याद रखिएगा जापानीज पोयम ऑफ थ्री लाइन्स. सो एग्जाम्पल फर्स्ट देखें ओल्ड पॉन्ड बाई बाशो. ओल्ड पॉन्ड बाय बाशो. ओल्ड पॉन्ड अ फ्रॉग जम्प्स द साउंड ऑफ वॉटर. और दूसरा है द बुक ऑफ हैकूज बाई जैक किरियोक. स्नो इन माई शू अबैंडेंड स्पैरोज नेस्ट. सो दीज आर टू हैकूज एग्जाम्पल्स राइट. सो आज हमने कौन कौन से टर्म्स पढ़े हैं यूफेमिज्म पोलाइट एक्सप्रेशन. ये हटा दीजिएगा इमेज. यूफेमिज्म इज फॉर पोलाइट एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ हार्श वर्ड्स
यूफोनी जहाँ पे स्वीट या मेलोडियस वॉइस की बात की जा रही हो, एक्सपोजिशन जहाँ पे बैकग्राउंड का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया जा रहा हो, एक्सटेंडेड मेटाफर जहाँ पे मेटाफर कंटिन्यूड है आगे की लाइनों में भी, फेबल एनिमल के कैरेक्टर्स वाली स्टोरी जहाँ से आपको एक मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलता हो, फैलेसी जहाँ पे आर्ग्यूमेंट विदाउट लॉजिक इज देयर, फार्स फिजिकल ह्यूमर एब्सर्ड बॉडी लैंग्वेज है, फुट जिसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इन डिफरेंट वेज यूज किए जाते हैं, एंड डू रिमेम्बर द लाइन द अदर टर्म्स एज वेल, फॉर शेडोइंग एडवांस हिंट ऑफ व्हाट विल कम लेटर, एंड हाइकू इज जापानीज पोएम ऑफ थ्री लाइन्स।